कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है और अलंकार के भेद क्या क्या होते हैं। एक बार हम फिर से उसको दोहरा देते हैं। अलंकार का अर्थ मैंने बताया था कि होता है आभूषण। जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों के बिना शोभायमान नहीं लग सकती, वो आभूषणों में ही सुंदर लगती है, उसी प्रकार काव्य में ही अलंकार होंगे तभी काव्य शोभा बढ़ाएगा, तभी काव्य शोभायमान होगा। उसके आगे हमने पढ़े अलंकारों के भेद, जिसको हमने दो भेदों में स्वीकार किया, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकारों के हमने उपभेद भी किए। तो शब्दालंकार के तहत हमने रखा था अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को, और उसके तहत उसके बाद आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के तहत हमने रखे थे उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, अन्योक्ति है, अतिशयोक्ति है, ये सारे अलंकार हमने रखे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे अलंकारों में। जो हमने शब्दालंकार पढ़ा था उसके जो तीन भेद किए थे, शब्दालंकार के जो हमने तीन भेद किए थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के तौर पर आप देख सकते हो, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, जो वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वो कहलाता है हमारा अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब क्या देख रहे हो आप, ये एक उदाहरण है। यहाँ पर अलंकार में आपको इसी प्रकार के उदाहरण देखने को नजर आएंगे। आपको सीधी सीधी पंक्तियां नहीं लिखनी है, जैसा हम संधि में, समास में और इस प्रकार के उदाहरण देते हैं, वैसे हमको अलंकार में उदाहरण नहीं देने। अलंकार में उदाहरण होंगे काव्य के तौर पर। जिस प्रकार काव्य लिखा जाता है, कविताएं लिखी जाती हैं, कविताएं की पंक्तियां आप सभी ने देखी होगी कैसी होती है, इसी प्रकार हमें अलंकार में भी इस प्रकार के उदाहरणों का ही उपयोग करना है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, बहुत ही सरल और सटीक उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार के लिए आप ये उदाहरण ले सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। आपको अलंकारों को याद भी करना है, क्योंकि परीक्षा में 8 या 9 नंबर का या 10 नंबर का पूरा सवाल पूछ लिया जाता है कि अलंकारों के बारे में बताइए। तो आपको शुरू से अलंकार की परिभाषा, उनके भेद और उनके भेदों के उपभेदों के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा हमने देखी यहाँ पर, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, किसकी, वर्ण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त और ल वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है। त और ल वर्ण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, और यहाँ पर च आएगा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप च पढ़िएगा। च और ल की आवृत्ति आपके यहाँ पर एक से अधिक बार हुई है। तो च और ल वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। अनुप्रास अलंकार बहुत ही सरल अलंकार है, आप समझ ही गए होंगे, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होना। ऐसा कोई उदाहरण आपको, ये तो आपको याद रखने के तौर पर याद रखना है। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए, एक उदाहरण दे दिया जाए और नीचे 3-4 अलंकार दे दिए जाए ऑप्शन क्वेश्चन में और पूछ ले कि इसमें कौन सा अलंकार है, यदि उस उदाहरण में एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति आपको नजर आती है तो सीधा सीधा अनुप्रास अलंकार पर टिक कर सकते हैं। अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे यमक अलंकार की तरफ, कि यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार के बारे में हम देखते हैं, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ उनका भिन्न हो। क्या कह रहे हैं वहां पर, क्या था, वर्ण एक या एक से अधिक बार आना चाहिए। आवृत्ति का अर्थ ही होता है एक या एक से अधिक बार आना। यमक में यहाँ पर आ चुका है शब्द, वहां था वर्ण, यहाँ है शब्द। यदि वाक्य में, यदि उदाहरण में आपको एक या एक से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार शब्द मिले और उनके अर्थ फिर भिन्न होंगे। यमक अलंकार में शब्द 2 या 2 से अधिक होगा उदाहरण में, और आप देखेंगे कि उन दोनों के अर्थ आपको भिन्न मिलेंगे, अर्थ आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे काली घटा का घमंड घटा, ये उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा कितनी बार आया है, 2 बार आया है, एक घटा यहाँ पर भी है और एक घटा यहाँ पर भी है। तो इन दोनों घटा का अर्थ एक नहीं होकर दोनों का अर्थ अलग अलग है। ऊपर वाले घटा का अर्थ है बादल,
काले बादल, ठीक है। और नीचे वाली घटा का अर्थ है कम होना, घमंड घटा यानी कम होना, घमंड हुआ है वो काले बादलों का घमंड कम होना, इसका अर्थ ये हुआ। तो यमक अलंकार की परिभाषा ये होगी कि जहां पर शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में उनका अर्थ अलग-अलग होगा, वहां पर हम यमक अलंकार लेते हैं। आगे चलते हैं हम श्लेष अलंकार की तरफ। श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष अलंकार देखते हैं हम, एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा, एक शब्द का प्रयोग वहां पर एक ही बार होगा, परंतु अर्थ उनके एक से अधिक होंगे। यहाँ पर शब्दों का प्रयोग दो या दो से बार था और उनके अर्थ भी अलग-अलग थे, लेकिन अब श्लेष अलंकार की स्थिति में यहाँ पर शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार होगा लेकिन अर्थ उसके अनेक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है। क्या कह रहे हैं? मंगन को देखी, यहाँ पर पट का अर्थ क्या होगा? मंगन को देखी पट देत, एक पट का अर्थ हुआ वस्त्र, पट यानी भी हम कहते हैं वस्त्र, और दूसरा अर्थ पट का हुआ यहाँ पर किवाड़। तो देख सकते हैं आप कि उदाहरण में पट शब्द सिर्फ एक बार आया है लेकिन अर्थ उसके आपको दो बार देखने को मिले हैं। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा पट का उसी पट का अर्थ भी किवाड़। तो एक ही शब्द का अर्थ अलग-अलग बार निकलना। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हम अलंकारों के बारे में जो हमने पढ़ा है। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, उदाहरण आप देख ही सकते हैं। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार और अर्थ भी उनके भिन्न, शब्द दो या दो से अधिक बार होगा और अर्थ भी उसका भिन्न होगा। अलंकारों में कुल मिलाकर यहाँ पर स्थितियां रखी गई है, परिभाषाओं के माध्यम से सिचुएशन देखेंगे कि किस में क्या सिचुएशन आ रही है, और हमें अगर उदाहरण दे दिया जाता है तो हमें सबसे पहले परिभाषा माइंड में आनी चाहिए कि परिभाषा क्या कह रही है, यमक की परिभाषा क्या कह रही है, और ये उदाहरण क्या यमक की परिभाषा से मैच कर रहा है, क्या उससे वो संबंध रख रहा है, तो ये अलंकार यमक अलंकार हो सकता है। और श्लेष अलंकार में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा लेकिन अर्थ उसका दो या दो से अधिक बार निकल सकता है। तो ये हमने पढ़े शब्द अलंकार के तीन उपभेदों के बारे में परिचय। धन्यवाद।